रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थोरैक्स एंड एब्डोमेन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के एब्डोमेन में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है, और उसके अलावा इंसेक्ट जो थोरैक्स है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और उनका क्या फंक्शन है। सबसे पहले हम आ जाते हैं थोरैक्स पे, और मेन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है व्हाई वी स्टडी इंसेक्ट थोरैक्स। हम इंसेक्ट के थोरैक्स की स्टडी क्यों करते हैं, आखिर वो हमारे लिए स्टडी करना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो इंसेक्ट के थोरैक्स की स्टडी हम इसलिए करते हैं क्योंकि इंसेक्ट के थोरैक्स में उसके उड़ने के और उसके चलने के जो है वो ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता लगता है कि जिस तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये वाला इंसेक्ट है, इसकी हैबिटेट कैसी होगी। ठीक है, उसके अलावा उसके विंग्स को अगर जब हम स्टडी करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी फ्लाइट कैपेबिलिटी कितनी है, आया कि वो थोड़ी देर फ्लाइट कर सकता है, शॉर्ट डिस्टेंसेस पर फ्लाइट कर सकता है या फिर वो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे फ्लाइट कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा थोरैक्स में आ जाती हैं लेग्स, और लेग्स से हमें पता लगता है कि उसकी हैबिटेट कैसी है, यानी कि वो वाटरी प्लेसेस पे रहना पसंद करता है या फिर वो डिग करके रहता है या फिर डिफरेंट टाइप्स की जो उनकी हैबिटेट्स हैं उस लिहाज से हम पता लगा लेते हैं कि कौन सा इंसेक्ट जो है वो किस तरह की हैबिटेट में रह रहा है। तो ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट थोरैक्स। इसके अंदर थोरैक्स को अब हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पोर्शन जो हेड के करीब होता है उसे कहते हैं प्रोथोरैक्स, सेकेंड पोर्शन जो मिड में होता है उसे हम कहते हैं मेसोथोरैक्स, और थर्ड पोर्शन लास्ट वाला होता है उसे हम कहते हैं मेटाथोरैक्स। ठीक है, ये तो इसकी डिवीजन्स हो गई। अब इसके अगर हम इसकी लेयर्स देखें तो इसकी थ्री लेयर्स होती हैं। फर्स्ट लेयर होती है टर्गम, यानी कि जो ऊपर वाली स्किन होती है इसकी। सेकेंड लेयर है सेंटर वाली जिसे हम कहते हैं प्लूरॉन, और इसकी जो थर्ड लेयर है हम उसे कहते हैं स्टर्नम। ठीक है, ये वाली लेयर्स हैं जो इसकी, ये वाली स्टर्नम, दिस वन इज़ प्लूरॉन, एंड ऊपर वाली जो इसकी है इसे हम टर्गम कहते हैं, क्यूटिकल है जो इसका। ठीक है, उसके अलावा थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं स्पायरेकल्स। स्पायरेकल्स का फंक्शन क्या होता है, ये गैसियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करती हैं, यानी कि जो ब्रीथ प्रोसेस होता है ना, ब्रीथिंग प्रोसेस होता है जो इंसेक्ट्स का, तो उसमें स्पायरेकल्स इन्हें हेल्प आउट कर रही होती हैं। ठीक है, ये इंसेक्ट के थोरैक्स का ओवरव्यू है, और इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर्स और भी होते हैं जो कि हम अभी दिखाते हैं आपको। ओके, नेक्स्ट इंसेक्ट के थोरैक्स में कौन कौन से पोर्शन होते हैं, इसके उसमें आ जाते हैं पोर्शन में, थोरैक्स के पोर्शन में इसकी सिक्स लेग्स आ जाती हैं। आपको पता है इंसेक्ट्स की जो लेग्स हैं वो सिक्स होती हैं, इनकी सिक्स लेग्स आ जाती हैं, जैसे कि ये लेग्स हैं, और उसके बाद इनमें आ जाते हैं विंग्स, दिस वन इज विंग, विंग्स आ जाते हैं इनके। उसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट जॉइंट्स हैं, और लेग्स के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखें, जहाँ से जो लेग का पोर्शन जो अटैच हो रहा है जिस जगह से, उसे हम कहते हैं कॉग्ज़ा। ठीक है, उसे कॉग्ज़ा कहते हैं जहाँ पे वो अटैच हो रहा है, और एक राउंड फॉर्म में जैसे बोन होती है जो कॉग्ज़ा में जाके फिट हो रही है उसे हम कहते हैं ट्रोकेंटर। इनको मैं अलग अलग से भी दिखाऊंगी आपको। ठीक है, उसके बाद ये जो लॉन्ग बोन है हमारे हाथ की तरह, इनकी भी जो लॉन्ग बोन है जो शोल्डर से यहाँ तक आती है उसे हम भी हमारे हाइंड लिम्स जो हैं उनकी जो लॉन्ग बोन है जो हिप से नीचे तक आती है उसे हम फीमर कहते हैं। तो इंसेक्ट्स की भी जो लेग की बोन है उसे फीमर कह रहे हैं। उसके बाद दिस वन इज टिबिया, टिबिया के बाद ये इनके टार्सस हैं। ठीक है, सब लेग्स इसी तरह की हैं। सबसे जो हाइंड लेग होती है इनकी, ये प्रोबेबली पिक्चर है ग्रास होपर की, तो ये जो इनकी लेग होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, और ये इन्हें जंपिंग वॉकिंग स्टाइल में हेल्प आउट करती है।
उसके अलावा थॉरेक्स वाले पोर्शन में देखें तो स्पायरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, प्लूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये हमने पीछे भी पढ़ा है। उसके अलावा इसके अंदर और नहीं होता कुछ भी। देखें फ्रंट लेग दिस वन इज़ कॉल्ड मिड लेग एंड दिस वन इज़ कॉल्ड हाइंड लेग। इसके डिटेल स्ट्रक्चर लेग का हम आगे पढ़ते हैं। ओके, लेग के डिटेल स्ट्रक्चर में देखें कौन कौन से जो लेग के पार्ट्स हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले कॉक्सा, कॉक्सा दिस वन, जो चीज़ जाके फिट होती है, ठीक है, दिस वन। उसके बाद ट्रोकेंटर, उसके बाद जो उभरी हुई जगह होती है, दिस वन इज ट्रोकेंटर, उभरी हुई जगह है ये। कॉक्सा के फौरन बाद ही आती है, हमें कॉक्सा नज़र नहीं आती क्योंकि ये बोन के अंदर फिट हो जाती है, ठीक है, हमें बाहर से नज़र आती है ट्रोकेंटर। उसके बाद फीमर, जिसे हम थाई बोन कह रहे हैं, फीमर दिस वन स्ट्रॉन्ग होती है, इसके ऊपर मसल्स भी होते हैं, हाइंड लेग होती है जो इंसेक्ट्स उसके ऊपर मसल्स भी होते हैं। उसके बाद है टिबिया, दिस वन इज़ टिबिया, इसे शिन बोन भी कहते हैं। टार्सस, ये जैसे हमारे फुट होते हैं तो इनके टार्सस होते हैं, दीज आर टार्सस। उसके बाद है प्री टार्सस। अब प्री टार्सस किसे कहते हैं, ये आखिर वाला जो पॉइंट है क्लॉ के तौर पे जिसे ये यूज़ कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं प्री टार्सस। ये सारे लेग की एनाटॉमी और उसके पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने लेग्स की टाइप्स पढ़नी है, कितनी टाइप्स की लेग्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ नेक्स्ट पॉइंट इज़ लेग लेग मॉडिफिकेशंस। लेग कितने टाइप्स की होती हैं, तो सबसे पहले इसमें है वॉकिंग, वॉकिंग स्टाइल है, यानी कि जो ईजीली नॉर्मली वॉक करते हुए इंसेक्ट मूव करते हैं, ये बेसिक मॉडल है। इसके अंदर कॉकरोच और एफिड जो इंसेक्ट्स हैं वो वॉकिंग स्टाइल से मूव करते हैं। उसके बाद पॉइंट आ जाता है जंपिंग का, तो जैसे ग्रास हॉपर्स हैं या लीफ हॉपर्स हैं उनका जो वॉकिंग स्टाइल होता है वो जंपिंग होता है, और इनकी जो लेग्स होती हैं वो भी इसी तरह मॉडिफाई होती हैं। ये हम आपको नेक्स्ट दिखाएंगे भी सही, ठीक है। इनका जो जंपिंग किस वजह से, क्योंकि जो इनकी फीमर है थाई बोन जो है वो काफ़ी इनलार्ज होती है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं जो उन्हें पावर प्रोवाइड करते हैं जंप करने की। उसके बाद ग्रास्पिंग, ग्रास्पिंग होती है प्रेइंग मेंटिस होती हैं या फिर एम्बुश बग वगैरह की जो लेग्स हैं वो ग्रास्पिंग होती है, यानी कि जिकड़ने वाली इनकी जो लेग्स हैं वो चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प कर सकती हैं, पकड़ सकती हैं, ठीक है। इनकी लेग्स के ऊपर स्पाइंस होते हैं, ठीक है, जिससे वो इजीली चीज़ों को ग्रैप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लैस्पिंग। क्लैस्पिंग लेग कैसे होती हैं, इनके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जो कि चीज़ों को चिपक जाते हैं, ठीक है, पिंसर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, नोकीले स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि चीज़ों को चिपक जाते हैं। लाइस वगैरह होती हैं, जैसे हमारे सर में जुएं होती हैं या फिर और तरह की जो लाइस होती हैं, एनिमल्स की जो लाइस होती है, प्यूबिक लाइस और हेड लाइस जो हैं उनके जो लेग्स हैं वो इस क्लैस्पिंग लेग में आ जाती हैं कैटेगरी में। उसके बाद है स्विमिंग। स्विमिंग लेग्स कैसे होते हैं, कुछ बग्स या सॉरी बीटल्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में स्विम कर सकते हैं, ठीक है, उनकी जो लेग होती है उनके फीदर लाइक, उनके जो टार्सल्स हैं वो फीदर लाइक होते हैं, और वो उन्हें पानी में पैडल की तरह यूज़ करते हैं और स्विम करते हैं वो। उसके बाद है डिगिंग लेग, ठीक है, डिगिंग लेग में क्या होता है, यानी कि उनके जो टार्सस होते हैं ना वो खोदने के लिए चीज़ों को, ज़मीन को खोदने के लिए या जहाँ भी उनकी रहने की जगह है उसमें अपना घर बनाने के लिए खोदने के, जैसे उनके ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि क्रिकेट यानी कि झींगर वगैरह हो गए, और जैपनीज बीटल, इनकी जो लेग्स होती हैं ये डिगिंग के लिए होती हैं, ठीक है। ओके, नंबर वन पर हम आपको दिखाते हैं कर्सोरियल यानी कि वॉकिंग अडेप्टेशन, जो इंसेक्ट सिर्फ वॉक करते हैं उनकी लेग्स कैसी होती हैं। देखिए उनकी लेग्स नॉर्मली दरमियाने साइज़ की हैं, ना ज़्यादा बड़ी हैं ना ज़्यादा छोटी हैं, ठीक है, और ये इन्हें
ईजीली वॉक करने में हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम देखते हैं, ओके, जो इंसेक्ट्स जंप करते हैं उनकी जो लेग्स होती हैं वो जो हाइंड लेग होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। उसके अलावा जो उनका फीमर वाला पोर्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जो उन्हें पावर प्रोवाइड करता है जंपिंग की, ठीक है। तो ये साल्टटोरियल भी इसे कहते हैं और ये जंपिंग लेग्स होती हैं इनकी। ओके, दिस वन इज़ ग्रेस्पिंग अडेप्टेशन, यानी कि रैप्टोरियल। इनकी जो लेग्स होती हैं ये चीज़ों को अच्छे से ग्रेस्प कर सकती हैं, पकड़ सकती हैं, ठीक है। और ये ग्रिप बना के रखती हैं, जो इंसेक्ट्स वॉल को ईजीली चढ़ सकते हैं या फिर दरख्तों को क्लेम करते हैं या पौधों पर रहते हैं, उनकी जो हैबिटेट ही ऐसी है तो उनकी जो लेग्स होती हैं वो रैप्टोरियल होती है, यानी कि ग्रेस्पिंग होती है उनकी। ओके, क्लैस्पिंग अडेप्टेशन, यानी कि जो चीज़ों को चिपक जाती हैं वो लाउस की, हमने बताया था प्यूबिक लाउस या फिर हेड लाउस जो होती हैं उनके जो लेग्स होती हैं उनके ऊपर क्लैस्पर्स लगे होते हैं, यानी कि वो चीज़ों के अंदर चुबा देती हैं अपनी पाँव वगैरह, और वो इस तरह उन्हें गिरने का ख़तरा नहीं होता, तो ये उनके लिए एक अडेप्टेशन है। ओके, दिस वन इज़ डिगिंग अडेप्टेशन, यानी कि फसोरियल, यानी कि ये ईजीली अपना अपने हैबिटेट में या जहाँ भी ये रह रहे हैं ये डिग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो क्लैस्पर्स हैं, यानी ये कितने टार्सस जो हैं इनके शार्प हैं काफ़ी, और ये ईजीली डिग करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। दिस इज़ स्विमिंग लेग, या फिर इसे कहते हैं नेटेटोरियल। ये उन इंसेक्ट्स की होती है जो पानी में रहते हैं, पानी में स्विम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर आ जाते हैं व्हीलिंग बीटल्स। तो इसके अंदर क्या है कि देखें, इनके जो लेग हैं इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, आपको नज़र आ रही है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। इनके ऊपर वैक्सिंग हुई भी होती है, यानी कि पानी इनको कुछ भी नहीं कहता और ये पानी को स्प्लैश करते हैं और पानी में मूवमेंट करते हैं। व्हीलिंग बीटल्स की होते हैं ये, यानी कि जो बीटल्स वाटर में स्विम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आ गया लेग्स। लेग्स ख़त्म हो गई, हमने लेग्स की टाइप्स पढ़ी हैं और उनकी हैबिटेट के हिसाब से उन्हें देख लिया है। अब हमने देखना है इंसेक्ट के जो विंग हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट के जो फोर विंग, यानी कि सबसे आगे वाला विंग होता है वो मीज़ोथोरैक्स के साथ अटैच होता है, ठीक है। और जो इनका हाइंड विंग, यानी कि पीछे वाला विंग होता है, वो मेटाथोरैक्स के साथ अटैच होता है। सेंटर वाले जो प्रोथोरैक्स होता है उसके साथ विंग्स अटैच नहीं होते, विंग्स जो हैं वो लास्ट वाले टू पोर्शंस के साथ अटैच होते हैं, और विंग्स को ब्लड सप्लाई भी जा रही होती है, ठीक है। उसके अलावा मीज़ोथोरैक्स और जो मेटाथोरैक्स हैं ये विंग्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं, तो ये मसल्स एनर्जी के थ्रू उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। और हम उनके इंसेक्ट्स को उनके विंग्स की वजह से हम उन्हें पहचान भी सकते हैं कि वो किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। जो डिप्टरा होती हैं उनके टू विंग्स होते हैं, लेपिडोप्टरा में आ जाते हैं मॉथ्स या बटरफ्लाइज, उनके जो विंग्स हैं वो स्केली होते हैं। थैसेन्यूरा, थैसेनेप्ट्रा, इनके जो विंग्स हैं वो फ्रिंज्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इंसेक्ट्स को विंग्स देख के बता सकते हैं कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। इंसेक्ट्स के जो फोर लिम्स हैं वो थोड़े सुकड़े होते हैं, और एज़ कम्पेयर टू देयर हाइंड लिंग्स, उनके जो हाइंड लिंग्स होते हैं वो चौड़े होते हैं, ठीक है। और आपको नेक्स्ट दिखाते हैं विंग अडेप्टेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो विंग्स में डिफरेंट टाइप्स के विंग्स होते हैं, इलाइट्रा होते हैं जो कि ज़्यादातर बग्स के होते हैं, हैमी इलाइट्रा यानी कि थोड़े से सख्त होते हैं विंग्स और थोड़े से उनके ऊपर मेम्ब्रेनियस पार्ट होता है, टैगमीना होते हैं। उसके अलावा हाल्टर्स होते हैं वो वाले विंग्स जैसे कि ड्रैगन फ्लाइज के होते हैं, जैसे फ्रिंज्ड विंग्स होते हैं। उसके अलावा स्केली विंग्स होते हैं बटरफ्लाई के। ये आपको लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करके
डिफरेंट विंग्स की टाइप्स भी देख सकते हैं। है टेगमीना, टेगमीना टाइप के जो विंग्स होते हैं वो लेदर की तरह होते हैं, यानी कि वो उड़ने में ज़्यादा हेल्प आउट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि शॉर्ट डिस्टेंसेस पे आप जंप लेके आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाती है। तो टेगमीना टाइप के जो विंग्स हैं वो ग्रास हॉपर में प्रेजेंट होते हैं और वो इस टाइप के दिखते हैं। उनका जो फोर विंग होता है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू देयर हाइंड विंग, वो चौड़ा होता है और वो स्पोर्ट में ज़्यादा हेल्प आउट हाइंड विंग कर रहा होता है। नेक्स्ट इज इलाइट्रा। इलाइट्रा कहते हैं बीटल्स के जो विंग होते हैं, यानी कि वो काफ़ी सख्त होते हैं। इलाइट्रा में सख्त विंग्स होते हैं, ऊपर जो है इनके सख्त वाले खोल जैसे विंग होते हैं और जब ये फ्लाई करते हैं तो ऊपर वाले विंग्स को ये उठा लेते हैं। इनके नीचे से मेम्ब्रेनियस विंग्स निकलते हैं जो इन्हें फ्लाइट में हेल्प आउट करते हैं। और सख्त जो इलाइट्रा है ये इन्हें किसी भी चोट वगैरह अगर इन्हें आए तो ये इनकी लाइफ को सेव रखते हैं, ठीक है, इनकी ये प्रोटेक्शन करते हैं। ये जो बीटल है अब ये फ्लाई कर रहा है तो ये जो इसके इलाइट्रा हैं ये खुल के ऊपर आ गए हैं और ये नीचे से जो इसके मेम्ब्रेनियस विंग्स हैं ये इसे फ्लाइट में हेल्प आउट कर रहे हैं, समझ। ओके, ये जो है ये विंग्स हैं हेमी इलाइट्रा में ये है कि स्टार्टिंग से देखें ये विंग्स जो हैं वो सख्त हैं, इलाइट्रा जैसे हैं यहाँ तक, लेकिन आगे देखें इनके जो पार्ट्स हैं ये मेम्ब्रेनियस हैं, इनके सेकंड विंग नहीं होते बल्कि यही विंग्स होते हैं, सख्त भी यही हैं और मेम्ब्रेनियस भी यही हैं और यही इन्हें फ्लाइट में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो आता है इंसेक्ट्स के एनाटॉमी में वो है इनका एब्डोमिनल पोर्शन। एब्डोमिनल पोर्शन में एक होता है एब्डोमिन के अंदर डिफरेंट जो है वो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। टर्गम कहते हैं ऊपर वाली इस लेयर को, ठीक है। इसके अंदर स्पायरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं जिनके ज़रिए रेस्पायरेशन जो है वो इंसेक्ट कर रहा होता है। दिस वन इज सर्कस एपीप्रोक्ट, ये इसका एनल पोर्शन है, और पैराप्रोक्ट, ये दोनों मिलके एनल ओपनिंग बनाते हैं, ठीक है। ये देखें पैराप्रोक्ट और एपीप्रोक्ट मिलके एनल ओपनिंग बना रहे हैं। स्टर्नम इसके नीचे वाली जो है पोर्शन इसे कहते हैं और प्लूरल मेम्ब्रेन जो है वो सेंटर वाली मेम्ब्रेन को कहते हैं, ठीक है। अब हम इसकी डिटेल में एनाटॉमी को स्टडी कर लेते हैं। एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स में देखें तो सबसे पहले आता है स्पायरेकल यूज़ होते हैं रेस्पायरेशन के लिए। सर्कस जो होते हैं वो हाइंड सेंसर, यानी कि आपको आपकी बॉडी को सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं। एनस जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की लास्ट ओपनिंग है जहाँ से हम वेस्ट को रिमूव करते हैं। तो पैराप्रोक्ट और एपीप्रोक्ट मिल के उसकी इनल ओपनिंग बनाते हैं। क्लैस्पर्स जो हैं वो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और ओविपोसिटर जो है वहाँ वो पार्ट होता है जहाँ से फीमेल जो है वो अपने एग्स को ले करती है। उसके अलावा जो बीज और वेस्प होती हैं तो उनका जो स्टिंग होता है स्टिंगर वो ओविपोसिटर ही होता है, ठीक है। ओके, देखिए मेल की एनाटॉमी देख लेते हैं हम। इसमें क्या होता है कि ये तो सर्कस हो गया, ये तो हाइंड सेंसर हो गया, ये नहीं, ये जो ये वाला पोर्शन है इट इज़ कॉल्ड क्लैस्पर, ठीक है। यहाँ से ये अपने स्पर्म्स जो है वो फीमेल बॉडी में इंजेक्ट करवाता है। इसको हम एडिगर भी कहते हैं, इंसेक्ट्स के जो पेनिस हैं उन्हें हम एडिगर कहते हैं। ये इंटरनल यानी कि अंदर भी मूव कर जाता है, रिट्रैक्टेबल यानी कि जब ज़रूरत हो ये बाहर निकल आता है, उसके बाद ये अंदर मूव कर लेता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है पोस्टीरियर एनाटॉमी ऑफ फीमेल बॉडी में क्या होता है। इसी तरह दिस वन इज क्लैस्पर, नहीं सॉरी सर्कस कहते हैं इसे, हाइंड्स। उसके अलावा ये ओविपोसिटर है, ये पोर्शन, इस पोर्शन से क्या करती है ये स्टिंग यहाँ से जो है इस पोर्शन से स्टिंगिंग पोर्शन है ये बीज और वेस्प का, और यहाँ से एग भी ले किए जाते हैं, ठीक है। अब देखें ये स्ट्रिंगर है एक इंसेक्ट का और उसने दूसरे एक किसी इंसेक्ट को किल करने के लिए अपने ओविपोसिटर से स्टिंग कर रही है नीचे वाले इंसेक्ट के ऊपर, उसको किल करने के लिए, ठीक है। ये काम भी करता है ये स्ट्रिंगर।
दूसरा काम ये करता है, ये देखें ये फीमेल है और ये किसी कैटरपिलर के ऊपर एग्ज ले कर रही है, उसकी बॉडी के जो स्किन है उसके अंदर अपने ओविपोसिटर को एंटर करवा के वहाँ पर ये एग्ज ले कर रही है, ठीक है। तो सेकंड काम जो है वो इसका एग ले कर। ओके, उन फंक्शंस के अलावा एब्डोमिनल का और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फैट स्टोर होती है, यहाँ पे बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमेन के अंदर, जैसे कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो गए, उसके अलावा अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके अलावा कुछ जो इंसेक्ट्स की लेग्स हैं वो नहीं होती, इमेच्योर स्टेजेस पे जाने के जैसे कैटरपिलर वगैरह हैं उनकी लेग्स नहीं होती हैं, ठीक है, वो अभी बाहर इमर्ज ही नहीं होती हैं, तो उनकी फाल्स लेग होती हैं जिनके ज़रिए वो मूवमेंट शो करते हैं, जैसे बटरफ्लाई की तो लेग्स होती हैं लेकिन जो उसका कैटरपिलर्स होते हैं उनके ऊपर लेग्स नहीं होती, उनके ऊपर जो फाल्स लेग होती हैं हम उन्हें कहते हैं वो प्रो लेग्स हैं, ठीक है। और ये जो प्रो लेग्स हैं ये एब्डोमिनल का पार्ट होती हैं जब वो अपने इमैच्योर स्टेज में होते हैं, यानी कि कैटरपिलर फॉर्म में होते हैं। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।